पहले हम शाहरुख खान के लिए मन्नत फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं मन्नत को एकदम पास पे देखने के लिए। यार मेरा सपना पूरा हो रहा है, चलो जल्दी जल्दी। आज मैं ना फर्स्ट टाइम मर्सिडीज में भी बैठने वाली हूँ, चलो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। फिर मैं पापा को बोलूंगी ना, मेरे को भी मर्सिडीज ही ला के दो। पापा कैसे लग रहा है मर्सिडीज में बैठ के? ऐसे बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि गाड़ी चल रही है, बहुत कंफर्टेबल लगता है, बहुत लग्जरियस फील आता है। मैं और मम्मी लाइफ में फर्स्ट टाइम मर्सिडीज कार में बैठे हैं, एंड मम्मी को और मुझे सेम फीलिंग आ रही है कि हमारी अपनी मर्सिडीज कब होगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट एक ना एक दिन जरूर होगी। पहले हम कहाँ जा रहे हैं? पहले हम शाहरुख खान की मन्नत। मन्नत जा रहे हैं मम्मी, है ना? तो अभी हम लोग जा रहे थे शाहरुख खान की बंगलो मन्नत को देखने, और मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। खुश हो गए आप? पापा हम भी ले लेते हैं ना मर्सिडीज। यहाँ से कितना दूर है मन्नत? दो मिनट। ओह माय गॉड, शाहरुख खान के घर को बाहर से ही देख लेंगे। यस, लेकिन आज हम उनका बंगलो देख रहे हैं। मैं इतनी मेहनत करूंगी कि कल हम है ना उनसे भी मिलेंगे। तो अब हम पहुंचे हैं बांद्रा के सबसे पॉश एरिया में, जहाँ एक साइड पूरा समंदर ही समंदर है और एक साइड सारे बड़े बड़े बंगलोज है। बस अपनी बालकनी में आओ और समंदर को देखो। कितने लकी हैं यहाँ के लोग। तो अभी हम लोग जा रहे थे शाहरुख खान की बंगलो मन्नत को देखने, और मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। ये देखो, ये रहा यहाँ पे मन्नत। ओए कितने सारे लोग हैं यार वहाँ पे, सब फोटो खिंचवा रहे हैं। फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं मन्नत को एकदम पास पे देखने के लिए। यार मेरा सपना पूरा हो रहा है, चलो जल्दी 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 चलो, थोड़ा फास्ट चलो। मम्मी मम्मी थोड़ा फास्ट चलो, चलो भागते हैं। देखो ना यार, शाहरुख खान सर के साथ घर के सामने ही है ना, इतना मस्त समंदर, ये दिख रहा है आपको इधर। और जब शाहरुख खान सर का बर्थडे होता है या फिर ईद होती है तो यहाँ पे कितनी भीड़ हो जाती है ना। मुझे तब भी एक बार आना है जब शाहरुख खान सर आके ऐसे करता है ना, आइकॉनिक उनका। हाय कैसे हो? बस सब कैमरे में थोड़ी पहले मैं आपके बहुत लॉन्ग देखती हूँ, मुझे कोई यकीन नहीं हो रहा मैं आपसे मिली हूँ। पहले मैं आपके बहुत बड़ी फैन। थैंक यू मैडम। हाँ हाँ मैं आपके सारे लॉन्ग देखती हूँ। थैंक यू, इधर आ जाना। कैसे हो? अच्छा लगा आपको? उसको खतरों के खिलाड़ी में जाना है ना, इसलिए हम कर रही कोशिश। चलो बाय बाय। यार सच्ची यहाँ पे आके है ना एक अलग ही खुशी मिलती है, क्यों मम्मी? हाँ बहुत अच्छी, एकदम पॉजिटिव वाइब्स। ऐसे लगता है कि शाहरुख खान सर यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ से जाते हैं, गेट है उनका। और यहाँ पे जब ईद होती है या फिर उनका बर्थडे होता है तो वो यहाँ पे खड़े होके ऐसे उनका आइकॉनिक पोज करते हैं। ऐसे लग रहा है कि अभी भी वो वहीं पे खड़े हैं। पता नहीं मैं कब उनसे मिलूंगी। जल्दी मिलेंगे। इधर खड़े हो, दूर
से फोटो निकाल दे। ये दोनों आपकी बहुत बड़ी फैन है, रोज देखते हैं आपको। देखो यहाँ पे मुझे मुंबई में आना, मेरे छोटे से दो क्यूट सब्सक्राइबर मिले, ये है सुहानी श्रेया। हाय। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अमिताभ बच्चन का बंगलो देखने के लिए। किस तो अभी हम लोग जा रहे हैं बिग बी मीन्स अमिताभ बच्चन सर का बंगलो देखने। बंगलो मीन्स बंगलो का बाहर से गेट देखने के लिए। बंगलो हमारे चार रूम है। ये दिखाओ ना इसे मम्मी। अच्छा ये वाला है क्या? इनको तो आप जानते ही होंगे, ये है थारा भाई जोगेंदर। अभी अभी रोडीज में जाके आए हैं ये। नमस्कार आंटी जी, किससे मिलने आए हम? भाई दो घंटे से वेट कर रहा हूँ, काव्या का फोन कर रहा हूँ। शाहरुख खान से नहीं मिले? बताओ शाहरुख खान से मिलवा देगा भाई। क्या गाने वाने कर रहे हो क्या? क्या मैं बताता हूँ? अब क्या दिखा रहे हो पापा? बताओ बताओ जल्दी बताओ। केशर ठंडाई 295 रुपीज। ये हाँ 300 रुपए का है। क्या क्या खाती है? गोलगप्पे वगैरह खाती होगी? यूट्यूबर है बिंदास का, आप जानते होंगे। हाय, ये देखो ये पुनीत सुपरस्टार। हाय, कैसे हो सर? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप क्या करा रहे हो? पर इधर कौन नहीं जानता, ये है हमारे बिग बॉस को हिला देने वाले पुनीत द सुपरस्टार। बोलो बोलो भैया। ये देखो क्या करा रहे हैं। पुनीत भाई, आंटी आंटी बात करना चाहती है। आंटी ने आपको बिग बॉस में देखा था, आंटी कह रही बड़े मस्त बंदे। हेलो आंटी जी, कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप बहुत अच्छे हो। मजा आ गया था एकदम बिग बॉस में देख के, तो बहुत मजा आ गया था बिग बॉस में देख के, बहुत मजा आ गया। पुनीत सुपरस्टार है भाई, वो डायलॉग मार दो। तो हमने पुनीत सुपरस्टार से बहुत सारी बातें की, पर वो पप्पा और पुनीत सुपरस्टार की बातें थी, बाद में आप सबको कभी बताऊंगी। काव्य को भी बिग बॉस, काव्य तो भी बिग बॉस जा। यस भैया, हम दोनों साथ में जाएंगे, साथ चलेंगे अगली बार। यस हां, तब तक मैं भी 18 की हो जाऊंगी। तब तक तुम अपन बढ़िया भाई। ये पुनीत सुपरस्टार ना आंटी, इतने डाउन टू अर्थ है, बहुत डाउन टू अर्थ है। मतलब अभी रुको, मैं ये काव्य के भी दो तीन क्रिएटर से बात करवाता हूँ, मस्त मस्त। ठीक है, हिंदुस्तानी भाव से और भी क्रिएटर बड़े बड़े। पापा आपको हिंदुस्तानी भाव पसंद है ना? तो अभी है ना जूस वगैरह पी लिया, हम लोग जा रहे जूहू बीच की तरफ। और भैया का है ना पापा के साथ एकदम मैच हो गए, देखो मस्त बातें मार रहे हैं दोनों मिलके। नीचे नहीं जा सकता अभी, हम है ना एक और नॉन पर्सन से है ना वीडियो कॉल पे बात करेंगे, ठीक है? और वो है ना मम्मी की फेवरेट है, गेस करो। ये देखो भैया। तो तनु रावत को भी आप सब लोग जानते होंगे, वो भी अभी अभी रोडीज में जाके आई है, तो उससे भी बात कर लेते हैं जूहू बीच पे बैठ के। मैं तुमको फॉलो भी करती हूँ और सारे रील्स देखती हूँ, बहुत अच्छे रील्स होते हैं।
आपकी रील्स देख के ना मैं इसको डांटती रहती हूँ कि तू भी ऐसे रील्स बना, तू भी ऐसे कर। पता है आपकी जब भी रील आती है ना मम्मी से बहुत डांट पड़ती है कि उसके जैसे डांस करो, कितनी फिटनेस ट्रिक है, कितना अच्छा योगा करती है, खुदी के जैसे बनने को भी बहुत डांट पड़ती है। नहीं नहीं बहुत अच्छी रील्स होती है। काव्या इधर ही रह गई, फ्लाइट होगी मिस। हमको भी जाना है। देखो दोनों के व्लॉग स्टार्ट है, अभी जा रहे हैं भैया। भाई मेरा तो बंद हो गया, 24 घंटे व्लॉग बनाता हूं। डॉक्टर ठीक है, आना आ रहेगा बाद में। ले पक्का आता हूं। ठीक है भैया, वो घंटी बाय प्लीज। मैं हम टैक्सी लेके जाएंगे भैया। चलो तो अभी हम लोग एयरपोर्ट आ गए, हमारी फ्लाइट है, अभी हम जल्दी मिलेंगे शूटिंग के टाइम पे। ठीक है, पक्का पक्का, सी यू सून। यस सी यू, बाय बाय बाय। सो अभी हम लोग है ना वापस जा रहे हैं घर पर। मम्मी मेरा तो ऐसे मन करता है कि हम है ना मुंबई में ही सेटल हो जाते हैं। क्यों पापा? रोज हमको एक्टर एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे मुंबई में। जैसे मुंबई के लोगों के लिए आम बात हो गई है ना एक्टर एक्ट्रेस को देखना। लेकिन हम जब गए ना तो हमको ऐसे लग रहा था कि कभी कोई दिख जाए हमको, कोई एक्टर दिख जाए, एक्ट्रेस दिख जाए, ऐसे एक्साइटमेंट में थे हम। तो पापा मैं बोलती हूँ ना, अरे तू एक सेलिब्रिटी, हम तेरे को देख लेंगे। तो अभी हम है ना जाते टाइम भी है ना फ्लाइट से जा रहे हैं, मतलब है ना एक ही दिन में दो दो फ्लाइट, कितना मस्त मजा आएगा। यस यस पापा आप थोड़ा धीरे चलो ना यार, मजा आएगा ना। अभी जाते टाइम भी फ्लाइट से जा रहे हैं, मुंबई में मीटिंग करने के लिए आए फ्लाइट से, अभी जाते टाइम पे भी फ्लाइट, कितना मजा। वो देखो वो रही हमारी फ्लाइट। हाय लक्षिका, हाय हाउ आर यू, पहचानो। हाय हेलो, कुछ बोलो, क्या हाल? थैंक यू। नवे नवे कहाँ है? मुंबई ने बुलाया, मैं आ गई। यार अभी है ना बहुत थक गया पापा, कब बोर्डिंग स्टार्ट होगी? अरे अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और अभी है ना मैं बैठने वाला विंडो सीट पे। ठीक है चलेगा, आप बैठो विंडो सीट पे, मैं ना सबसे कॉर्नर वाली सीट पे बैठती हूँ और मम्मी को बीच में बिठाएंगे। पापा को भी विंडो सीट पे बैठना होता है, दिखा। चलो अभी है ना बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, जल्दी से चलते हैं अंदर प्लेन में। तो अभी है ना बोर्डिंग हो गई है, हम लोग फाइनली जा रहे हैं प्लेन के अंदर बैठने। विंडो सीट पे मैं बैठूंगी पापा, अब झगड़ा होगा पापा का कि पापा को बैठना है। ठीक है, इस बार पापा को बिठा देंगे विंडो सीट पे। क्या हुआ? मम्मी बोल रही थी मेरे को बैठना है विंडो सीट पे, पापा बैठ गए। देख चीटिंग कर रही, मजा आ रहा है कि पापा उधर आना, मजा आ रहा है। हम लोग मुंबई से निकल रहे हैं औरंगाबाद के लिए। खुशी देखो पापा के चेहरे पे। अभी है ना टेक ऑफ हो रहा है, बहुत सा दर्द हो रहा है।
बोला वीडियो लेने के लिए, लेते रहो पापा। ऑफ के बाद देखो ना, यहाँ से तो पूरी मुंबई दिख रही है, एकदम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है। यहाँ से देखो ना कितने सारे घर है यहाँ पे, और कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है। पता नहीं यार ये कौन सा एरिया है। मुझे तो है ना प्लेन में नींद ही लग गई थी, और जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई ना तो हम सीधा औरंगाबाद लैंड होने वाले थे। मतलब देखो ना यार कितना सा डिस्टेंस है औरंगाबाद और मुंबई में। देखो हमारे वेलकम के लिए औरंगाबाद ने रेड कारपेट बिछाया है। थैंक्स। पापा इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ पे? क्या मालूम क्यों सन्नाटा इतना? हाँ ना, मतलब कुछ भी नहीं, कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा है। बारिश चल रही है यहाँ पे, तो चल रहे हैं देखते देखते। अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना। अरे इतनी बारिश नहीं चल रही। क्या बोल रहे हो मम्मी? मैं बोल रही थी एक दिन में ही मुंबई में अपने कितने सपने देखे ना। हाँ, सपने दिखाए मुंबई में हमको। यस, मुंबई ने बहुत सपने दिखाए। अभी है ना मैं जल्दी से आपको जादू से घर पे लेके चलती हूँ, ठीक है? 1 2 3 देखा अभी ना जादू से मैं घर पर। यो चीकू बुआ। अच्छा तो तू मोबाइल में बिजी है। ए दीदी ये देख, मैंने तेरी प्रिंसेस वाली बेडशीट डाली, अभी मैं इसके ऊपर सुसु कर करके ये बेडशीट खराब करूंगा। अभी मैं ना नानी को बोलती हूँ कि हम ना शाहरुख खान से मिले। शाहरुख खान? हाँ। तो मेरी मम्मी है ना यहाँ पे नानी को बता रही कि हमने ना शाहरुख खान का बंगलो देखा, तो नानी हमको पूछ रही है कि शाहरुख खान ने अच्छे से बंगलो दिखाया क्या तुमको। ये क्या है? एग्रीमेंट है ना? कॉन्ट्रैक्ट। चलो दिखाओ नानी को। हे भगवान, मैं अपनी मम्मी पापा को बहुत प्राउड फील कराना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे शक्ति देना और मुझे बहुत बड़ा बनना है। तो ये था मेरा मुंबई का छोटा सा टूर। अब पता नहीं मैं नेक्स्ट टाइम मुंबई कब जाऊंगी, पर जब भी जाऊंगी तो ज्यादा दिनों तक मुंबई में रुकूंगी और बहुत सारे लोगों से मिलूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ढेर सारे लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।